राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 8 और आप सबको मेरी तरफ से सकरात की राम राम। हमारे यहाँ तो सुबह उठते ही सबको सकरात की राम राम बोलते हैं। अभी नहाना धोना हो गया है और आज हम थोड़े से लेट ही जाने वाले थे। एक ट्रेन थी तो सुबह 6:30 बजे की, उसके बाद है फिर 3:30 बजे की। तो 2:30 बजे की ट्रेन है या 3 बजे की है, उसी में जाएंगे। बाकी अंदर अंदर टाइम का तो पता नहीं चलता है। और यहाँ पर बन रहा खाना। भितरे भितर ज्यादा लग रहा है। और तो जी बस अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। यहाँ पर काम तो कुछ भी है नहीं, बस खाना नहाना धोना यही चलता रहता है पूरा दिन। तो हेलो है मम्मी, हेलो हाँ भी तेरी हेलो। और आज का दिन त्योहार से ज्यादा दान पुण्य के लिए ज्यादा खास माना जाता है। जैसे कि रितिका की बुआजी ने ले रखी थी पोपो भाई और धर्मराज की कहानी, तो इसके उजमन की तैयारी चल रही है अभी। जैसे आज सकरात से हम स्टार्ट करेंगे, लेडीज कुछ ना कुछ ले लेती हैं, कोई कहानी या फिर झाड़ू लगाना, सूर्य को जल देना, ऐसे कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करती ही हैं। और फिर अगली सकरात पर उसका उजमन होता है। हमारे यहाँ तो ये सब बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो अभी रितिका की बुआजी की तो उजमन की तैयारी चल रही है। मैं जो सामान लेकर आई थी वो मैंने मिनस दिया है। रितिका के फूफा जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनसे मिलना भी था। और फिर मैंने सोचा कि चलो सकरात पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जितना हमसे बनता है उतना लिए चलते हैं। बाकी ज़्यादा तो हम रितिका के फूफा जी से मिलने के लिए ही आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है। तो जी अभी बज गए हैं 2:30 और हमारी ट्रेन थी 3:30 बजे की, 3:35 पर यहाँ से जाती है गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि हमारी लेट हो गई है। हमारी क्या, आने वाली ही नहीं है, 7 घंटे लेट हो गई है, 10:30 बजे आने वाली है। हमने सोचा कि एक्सप्रेस से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, 5:30 बजे या 5 बजे वो हमें भिवानी पहुँचा देती, क्योंकि लास्ट बस रहती है 7 बजे की हमारे गाँव जाने की। उसके बाद फिर हमारे गाँव का कोई साधन नहीं मिलता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो बस से भी चले जाते, लेकिन 7 बजे के बाद फिर कोई साधन ही नहीं मिलेगा, फिर भिवानी में घूमना पड़ेगा हमें। और सर्दियों में वैसे भी लेट तक घर से बाहर निकलने का कोई टाइम नहीं रहता। अभी कुछ दिनों से ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है, पर माँ और रितिका घर पर अकेले हैं। माँ ने तो फिर भी बोल दिया था रुकने के लिए, पर परेशान तो होना ही पड़ेगा। ये सब तो बोल ही रहे थे हमें रुकने के लिए, बस हमें ही जल्दी थी, क्योंकि पशु रखते हैं तो देखिए एक दिन से ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं रहता है। किसी दूसरे को भी बोलते हैं तो वो एक दो या दो दिन हमारा काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक दिन जाएंगे दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं। एक बार बाजार गए थे, यहाँ पर गर्म कपड़ा बड़ा अच्छा मिलता है। ये देखिए मैं एक रितिका का गर्म सूट लेकर आई। यहीं पर सिलाई करवाएंगे, नाप लेकर आना भूल गई थी मैं, ये मैं ही पसंद करके लेकर आई हूँ। और भी लेकर आए थे थोड़ा सा, मैं मेरे लिए तो लेकर नहीं आई, मेरे लिए भी सोच रही थी एक सूट लेने के, लेकिन मैं लेकर नहीं आई, मेरा मन नहीं किया बस, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सिलाई होती नहीं है, यहाँ पर तो सब पहनते हैं ये गर्म सूट और बड़े अच्छे अच्छे रंग डिजाइन मिलते हैं, तो यहाँ पर सिलाई होती है, तो रितिका का सूट तो यहीं पर सिलवाएंगे। तो जी चलिए अभी बाहर घूम लेते हैं। इन्होंने तो अपने लिए ओक्टी मंगवा ली है और आग जला ली है, एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल लिया था। लिकड़ा धुआं कई देर लगती है, क्या वाह कली बेबे 8-10 जने किया करें हैं, नहीं 8-10 जने और लेवर रोने इन खातर हैं मैम 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 एक दो ज़्यादा मज़ा
इफ्तारी खातर की तो ओकटी ले आए हम आंके ने की तो आंच बनाई है की तो वहां खुले आए हैं इतने तेवन तो कर दिए है रुण खुशबू तो आई है लो या तो वहां खुकी कोनी आंदी और कहीं भी आना जाना खाना पीना कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। वो बोलते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा रहता है खाने वाले का काम। अभी तक तो हम ट्रेन में होते लेकिन आज ट्रेन कैंसिल होने की वजह से सारी तैयारी हमारी धरी की धरी रह गई है। अभी ये था कि ना तो इतनी ज़्यादा ठंड है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है तो धूप धूप में हम घर पहुँच जाते। कल सुबह जाएंगे तो बड़ी ठंड में हमें घर से निकलना पड़ेगा और घर से हम कहीं भी आते जाते हैं ना तो हमारा आधा ध्यान तो जहाँ जाते हैं वहाँ रहता है और आधा रहता है हमारे काम में। कैसे होगा क्या होगा बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये है कि अकेले आते जाते हैं जैसे ये घर पर रहते हैं और मैं आती हूँ फिर कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन दोनों अगर हम भिवानी भी जाते हैं तब भी हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को सानी डालने के टाइम तक हम घर वापस पहुँच जाएँ क्योंकि बच्चे अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि सारा काम देख ले। और वैसे भी बच्चे बच्चों की तरह ही काम करते हैं और भैंसों का काम तो मैं बच्चों से बिल्कुल भी करवाती ही नहीं हूँ। कोई छोटा मोटा काम रहता है उसके लिए बोल देती हूँ बाकी तो सारा का सारा काम हम खुद ही देखते हैं। तो जी बस अभी हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है और बाहर बड़ी ही अच्छी धूप निकली हुई है। हमारे यहाँ के मुकाबले तो यहाँ आधी भी ठंड नहीं है। मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी नहीं तो आप सबको पता ही है कि मेरा तो ठंड से हाल बेहाल रहता है। आप सब भी कई बार बोल देते हैं कि दीदी दो दिन की सर्दी है उसके बाद तो गर्मी ही होगी पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। और सच बताऊं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि चारों तरफ पानी लगता रहता है। एरिया कुछ ऐसा ही है यहाँ पर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और अभी आ गए थे मोमोज शाम के टाइम पर उसके बाद फिर मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है। मेरा तो यही है कि शाम को कुछ खा लेते हैं ना फिर रोटियाँ खाते ही नहीं हैं और कुछ काम भी नहीं है। हम काम नहीं करते हैं ना तो फिर तो भूख लगती ही नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहो फिर तो क्या हुआ कुछ थोड़ा बहुत खा लिया इतना ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं रहता है। हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं ना तभी जोरों की भूख लगती है बाकी बैठे बैठे तो इतना ज़्यादा खाने पीने का भी मन नहीं करता है। और अभी बज गए हैं 5:15। हम 4:30 बजे के आसपास उठे थे थोड़ी सी देर बैठ गए बातें करने लगे। बातें करते हैं ना फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अभी मुंह हाथ धो लिया है चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर चलने की तैयारी करेंगे। और ईशांत का तो ये है अपनी बुआ जी के यहाँ आता है ना तो इसका फिर वापस जाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। इसका मन था एक दो दिन और रुकने का लेकिन इसको भी मैंने उठा लिया है। छुट्टियों में हम पहले आते ना तो ये रुक जाता थोड़े से दिन छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद फिर आ जाता लेकिन अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो इसलिए हमें इसको अपने साथ ही वापस लेकर जाना पड़ेगा। नहीं तो छुट्टियाँ रहती तो 2-4 दिन के लिए इसको यहीं पर भी छोड़ देते। तो जी बस ना ना करते हुए एक दिन रुक लिए सबसे मिल लिए और अभी चल पड़े हैं घर की ओर। और ये सब तो देखिए चलता ही रहता है हम कहीं भी आते जाते हैं ना तो हमारा मन नहीं भरता है ये रहता है कि एक दिन और रुके। और ईशांत का तो बिल्कुल ही मन नहीं करा था घर वापस जाने का ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कल हम नहीं गए तो। और ये देखिए मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह स्टेशन पर इतनी ठंड में कौन आएगा लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इस टाइम पर जो ये ट्रेन जाती है ना इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही भीड़ रहती है और जिनका जाना रहता है वो तो जाएंगे चाहे सर्दी हो या गर्मी हो काम तो हमारे चलते ही रहते हैं चाहे कोई भी मौसम हो। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और हम पहुँच गए हैं भिवानी। ये हमारे भिवानी का रेलवे स्टेशन चलना है आगन देख ले तेरे पापा का नहीं। और लेना तो था हमें घर के लिए थोड़ा सा सामान लेकिन अभी तो बाजार बिल्कुल बंद है। 10 बजे के बाद दुकानें खुलनी स्टार्ट होती हैं और सही तो बाजार 11 बजे तक स्टार्ट होता है तो इसलिए तो बस हमने यहाँ से सीधा ऑटो लिया पहुँचे बस स्टैंड और फिर सीधा घर। 9:30 बजे की बस रहती है और हम ठीक टाइम पर पहुँच गए थे। हम बस स्टैंड पहुँचे उसी टाइम पर हमें बस मिल गई और झटपट घर पहुँच गए नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो सुबह या दोपहर को हम आते जाते हैं तब तो साधन चलते ही रहते हैं रात के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल रहती है
घर आते ही थोड़ी सी देर किया आराम, एक कप चाय पी और उसके बाद फिर नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। अभी तो बस मैं सिंपल चटनी रोटी ही बनाने वाली हूँ, सब्जी देखेंगे शाम को, क्योंकि सफ़र से आते हैं तो देखिए थोड़ा सा थक भी जाते हैं और आज काम भी सारा का सारा बाकी है। मैंने यही रितिका को मना कर दिया था कि आने के बाद देख लेंगे, दो दिन तो जैसे तैसे करके दादी पोती दोनों ने संभाल लिया है, लेकिन यह है कि परेशानी तो देखिए होती ही है, जो करते हैं उनको तो काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है और जो काम नहीं करते हैं ना उनके लिए एक छोटा सा काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम तो सुबह शाम लगे रहते हैं तो हमारी तो आदत है काम करने की, और माँ की तो अभी कोई उम्र भी नहीं है। फिर भी ये है कि दो दिन दादी पोती दोनों ने काम संभाल लिया, वैसे गए उस दिन तो हम हमारा लगभग सारा काम निपटा कर ही गए थे, और आज मैंने रितिका को मना कर दिया था कि काम आने के बाद देख लेंगे गोबर भारी का जो भी काम है, क्योंकि घर का काम तो बच्चे देख लेते हैं, गोबर भारी का काम करना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो जी बस अभी घर पहुँचते ही मैंने लगा दिया अपनी एकदम देसी स्टाइल थाली, चटनी रोटी और साथ में लस्सी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।